अनु क्या कर रहे है? क्या कर रहे हैं अनु? दिखाओ दिखाओ, क्या ले रहे हैं आप? जय ले रहे माता जी। ये कौन है? माता जी। यहाँ रखो, चलो यहाँ रख दो, रख दो। ये देख लो, उसने ये सारे फैला रखे हैं। मैं कर रही थी मंदिर की सफाई। और ये देख लो, मैं लो अपना इससे टेबल साफ करो। यहाँ टेबल, ये मम्मा को दे दो आप, टेबल साफ कर दो। बेटा टेबल गंदी हो रही है, इसको कहाँ ले जाओ आप? मंदिर में लो बिठाएंगे बेटा, मंदिर में रखेंगे। आज जल्दी आज हनु, आ जाओ आप, टेबल साफ कर दो। टेबल देख, टेबल गंदा हो रहा है ना, चलो कर दो। ये मम्मा को दे दो, मैं सफाई कर लू बेटा। और मैं लग रही हूँ ये मंदिर की सफाई करने के लिए, और ये हनु मेरे को परेशान कर रहा है। ये अभी उठा है, पहले मैं जैसे नहा के आई थी तब ये नहीं उठ रहा था। मैंने सोचा चल अभी हनु नहीं उठा है तो मैं मंदिर की सफाई भी कर लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मैं लगी थी और एकदम ये उठ गया। हाय मी बेटे की, हाय जय करते हैं माता रानी की जय। अब तो ऐसे सर पे क्यों रख रहा है बेटा, मेरे को दे दे, दे दो मम्मा को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और देखिए सुबह का हुआ है टाइम, और टाइम भी काफी हो गया, 9:30 बज गए हैं। मंडे का दिन है आज, मंडे 14 जून, और अभी 13 जून है। और अभी हनु के पापा गए हैं मंदिर, और वो अब तक नहीं आए हैं मंदिर से। और देख लो हनु का बज रहा है, ये हनु का बज रहा है ढोल। और अभी मैंने ये बेडशीट उतारी है, और अब इनके गद्दों के कवर भी उतारूंगी। सारे वैसे कपड़े तो मैंने कल धुल लिए थे, आज मुझे गद्दों के कवर धुलने हैं और पर्दे धुलने हैं, और गद्दे धूप में डालने जाना है अभी। और मैंने नहा धो ली, पूजा हो गई, नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ है, और तौलिया भी डाल देती हूँ मैं अपना, ये एक बार के मैंने डाल दी है। और बस अब मैं ये गद्दों के कवर उतारूंगी और इनको रखाऊंगी धूप में, और फिर धोएंगे ये कवर भी आके, इतना हनु के पापा भी आ जाएंगे। तो चलिए अभी फिर मैं ना गद्दे के कवर उतार लेती हूँ। बेटा इधर का भी फैन चल रहा है, इधर का भी चल रहा है, लाइट का बिल भी तो आएगा मेरे चांद। वैसे तो आप कहते हो मम्मा आइट है, क्या चीज? मशीन। हाँ मशीन चल रही है, उसके पास नहीं जाना मशीन के, ठीक है? मशीन के पास नहीं जाना है नू, चलो हटाओ, चलो इधर चलेंगे, आ जाओ इधर काम करेंगे इधर। हाँ हाँ बाथरूम में नहीं जाना। और देखो ये हनु को तो मजा आ रहे हैं गद्दे पर, हटा लो नीचे उतार में। देखो आप, देखो ये कैसे भागेगा, ये देखो कैसे भागेगी ये मेरी बिट्टी। और चैन शायद की उधर है शायद, और मैं निकाल लेती हूँ ये कवर। ये देखिए ये कवर निकाल लेती हूँ मैं, और काफी दिन हो गए धूप में नहीं रखे हैं। हनु सुसु कर देता है ना तो फिर स्मेल आती है बहुत ज्यादा, अब पता नहीं इसको क्या हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, बताता नहीं है, ये खुल भी नहीं रहा है, क्या हो गया इसमें, क्या है बाश? अभी तो खुला भी नहीं बाश के बच्चे। देखो गद्दे तो मैं डाल लिया ही हूँ, बाहर रख दिए है मैंने, यहीं पे रखे हैं गेट के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं रखे। और अब मैं उतार लेती हूँ ये पर्दे, क्योंकि पर्दे भी धुलने हैं मुझे, पर्दों का नंबर है। और हनु के पापा तो पता नहीं किस टाइम तक आएंगे, नाश्ता भी बस जब आएंगे तभी बनाऊंगी, जो कुछ बनाऊंगी। और देखो यहाँ पे ना फिर मैं ये उतारने लग गई थी पर्दे, और बस मैं सोची थी कि पर्दे भी धुल लेती हूँ, गद्दों के कवर धुल लिए थे, पर्दे और बस ये मोटे मोटे चीज थे जो भारी भारी कपड़े, ये भी आज उनका, चलो आज इनका नंबर लगा देती हूँ। कपड़े मैंने कल धुल लिए थे, और जो थोड़े बहुत थे वो भी डाल दिए थे आज भी। और बस हनु के पापा गए थे मंदिर, और मैं फटाफट से उतार लेती हूँ सारे पर्दे, फिर इनको डाल लूँगी मैं धुलने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं जो मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए थे वो निकाल रही थी मैं मशीन, उसमें से एक बार में डाल देते बेडशीट और थोड़े से कपड़े थे बस में, और फिर अब इसमें डालूँगी मैं पर्दे जो मैंने उतारे थे अभी।
और पर्दे ना मैं ऐसे उनको जो वे रिंग्स होते हैं उनके छल्ले उनको ना बांध देती हूँ एक जगह करके सारे पर्दों को उनके छल्ले वो उसमें किसी भी उससे पट्टी से या किसी भी नाड़े वगैरह से उसको बांध देती हूँ ऐसे और फिर इनको धुलती हूँ जिससे कि ये ना फिर ये निकलते नहीं है रिंग्स पर्दे खराब नहीं होते हैं और अच्छे से साफ हो जाते हैं मशीन में भी। नाश्ता हो गया तैयार और नाश्ते में देखो मैंगो सेक और बनाना और ये देखो ये क्या कर रहे हैं दोनों क्या हो रहा है गोदी नहीं ले रहे हैं नुकू ये अपने पापा की गोदी मार बैठ कल से पी में पता नहीं क्या कर दिया है ये लेडी भी चली नहीं रही है क्या हो गया इसमें लो नाश्ता कर लो और इसको गोदी आना है अपने पापा की ऐसे क्यों उठाया आपने ए बेटा आप खाते तो हो नहीं क्या ले हो आप लो मन्ना ले लो चलो अभी कर लेते हैं फिर नाश्ता आ जाओ जब नहीं चल रहा तो रहन दो ना दिखा लो से किसी को ये दोनों बनाना जो तूने ले लिया खा भी लेगा हैं एक पहले देगी थी वो तो तेरे पापा ने खाया वो तो तेरे खाना क्या खाना देखो देखो पाटा क्या खाएगा मम्मी ने क्या बनाया है ये देखो ये आ गया है हमारा लंच लंच में जो बनाया है पराठा मम है बेटा पराठा और रायता आलू का रायता आलू का पराठा आलू का रायता लंची डंची हो रही है अनु की ये क्या भाई ये क्या हो रहा है ये तो बहू बन रही है अनु तो ये हनु तो बहू बन रही है दीवार में टक्कर लग जा तेरी पापा के पास अनु कहाँ है अनु के पापा पीछे अनु के पीछे ए बो रहे उतार बात नहीं है आ जाओ इधर आओ मम्मा के पास पापा यही है बेटा मम्मा के पास आओ आप तो यहाँ पे फिर शाम के टाइम में भी लोहें लग गई थी ये मलाई और उन्नू के पापा बट से बात कर रहे थे वो आ गए थे देखने रसोई में कि क्या कर रही है अब तक चाय नहीं बनी एक कप देर से फिर मैंने बोली कि मैं मलाई भी लो रही हूँ देख लो आप भी तो ये ना काफ़ी भारी हो गई थी तो ये फिर इससे चल नहीं रही थी ये तो फिर मैंने सोचा कि ये इसमें से निकाल देती हूँ उसको और चाय भी मैंने बन नहीं रखी थी मैंने सोचा कि चलो इतना दो तीन मिनट में इसको चला देती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर चला दूँगी जिससे कि ये हो जाएगी फेंट देती हूँ इसको और ये इसमें ना फिट नहीं रही थी अच्छे से ये फंस रही थी इसमें लेकिन ये हल्की पड़ रही थी इसमें और ये ज़्यादा हो गया था और ये भगोना भी छोटा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको निकाल के रख देती हूँ और फिर ना उससे करूँगी चमचे से या फिर करछी से करती हूँ इसे अच्छे से हो नहीं रहा था और फिर मतलब फिर तो बस चाय बना के मैंने चाय दे के उसके बाद फिर आराम से बैठ के की थी जब हनु के पापा चले गए थे अपने खेलने के लिए मंदिर वो मंदिर गए थे सिलोती तो ये मैं साफ करके रख दूँगी और इसमें मैं फिर करछी से चलाऊँगी इसको ये भी रखो बेटा जो नीचे पड़ी है वो भी रखो पैर के पास पड़ी है आपके वेरी गुड एक और पड़ी है अभी एक और है बेटा देखो पड़ी है यही हाथ नहीं जा रहा आपका वेरी गुड खराब तो करी थी तूने ये तोड़ के अब इसमें निकाल लेगा इनको फिर रखेगा बिस्किट खा लो ये अनु ये देखने के लिए थोड़ा ही है बेटा चलो अब रखो इसमें ही अब रखो सारे निकालेगा क्या रख दो वेरी गुड ऐसे ही रख दो सब ये देखो जी ये मलाई मैंने कर ली है इसको बस हाथ से ही चलाया है और 5 से 10 मिनट मुश्किल से चलाया पहले थोड़ी देर चलाया था 2 से 3 मिनट फिर रख दिया था और फिर 5 मिनट बाद में चलाया
और ये देखिए ये निकल गया है। और अब मैं ये जो लस्सी है ये अलग रख दूंगी, इसमें से छाल अलग कर दूंगी और उसको धुल के पानी से अच्छे से, और फिर मैं रख देती हूँ अभी इसको गर्म करने के लिए। ये देखिए जी घी मैंने छान लिया है और 15 दिन का ये मलाई का घी है ये मेरा, 15 दिन की मिलोती हूँ मैं। ये देखो एक किलो तो नहीं होगा ये, हाँ 1.25 किलो के आसपास घी है ये, और हो ही जाता है जब मलाई वगैरह उतार लेते हैं। अब शहर में तो ऐसे ही करना पड़ता है, फिर घर से भी आया था वैसे तो अभी मेरे भाई लेके आया था घी, पर ये तो मैं निकालती हूँ, हमारा अच्छे से काम चल जाता है, हमें घी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। खाने में क्या बनाना है, मेरा बनाने का मन ना हो तो नहीं, हाँ फिर भूख नहीं लगेगी। मैं सही में पूछी, बता दो क्या बता दू क्या बनाऊ, नमकीन चावल ही बना लूंगा। नमकीन चावल बना लेते थे, अरे क्या होगा फिर सब्जी भी बनानी पड़ेगी, गर्मी तो वैसे ही हो रही है। गर्मी आप बता रही, देखो भाई जब नमकीन चावल हनु खा लेता है हम भी खा लेते हैं, गर्मी में रात के टाइम कितना खाना खाएगा, थोड़े थोड़े से वो ही खा लेंगे। रायता भी रखा है, फिर आलू का दोपहर का थोड़ा सा वो भी यूज हो जाएगा, या रोटी बना लूँ रायता रखा है, सिंपल रोटी बना लेती हूँ। चलो सही है, दोपहर में पराठे बनाए थे ना, अब रोटी बना लेती हूँ और हनु का बना दूंगी एक थोड़ा आटा, वो जो कुछ खाएगा खा लेगा। ये देख लो मेरे पूछ के अंदर ये मतलब कि खिलौने नीचे डाल दे रहा है, ये टोकरी लेके खुद घूमेगा। तो चलिए अभी क्या टाइम हुआ है, 8 बज गए और अभी फिर मैं बनाती हूँ खाना। खाने में तो बस रोटी बनाऊंगी, रायता तो रखा ही है, सब्जी कुछ नहीं बनाते। मेरा ना कटहल खाने का बहुत मन हुआ है, कटहल देखे ना कह रहे ऑर्डर दे रखा है, सब्जी भी कोई ऑर्डर पैकती होगी, अब तक तो आई नहीं, 3 साल हो गए मेरे शादी को, मैंने देखा तो आया नहीं मिलेगी नहीं अद्धे कटल गली मामे जो लेके नहीं आते। क्या कर रहे हैं आप, चलो भाई फिर अभी बना लेते हैं रोटी, भूख भी लग रही है। और फिर अभी और कुछ नहीं। चलो आज आपका मैच कैसा रहा, मैच नहीं होता आज इनकी क्रिकेट टीम पूरी नहीं हुई होगी। लो चलो लो मैं उठ रही हूँ सर, ये क्या कर रखा है यहाँ पे, ये क्या कबाड़ खन्ना बना लिया घर का, ये क्या किया नु तूने, चांट है ऐसे लगेगा यहाँ से चांट है बच्चे, गड्डू बेबी बन रहे हो आप, सॉरी बोलो मामा को, क्या बोल रही है मामा, सॉरी बोलो, चलो बोलो बेटा सॉरी कैसे बोलते हैं, रिंग्स तो है सॉरी बताओ पहले, सॉरी कैसे बोलते हैं, सॉरी नहीं बोलोगे आप मामा को हैं? क्या चूटने लग रहा है, अब रिंग्स उठा ले नीचे आ गई है रिंग्स। चलो मैं तो रोटी बनाऊँ अब, तो चलिए फिर अभी इस व्लॉग का बस मैं यहीं पे करूंगी एंड। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हेलो, तब तक के लिए बोलो बाय बाय, बोलो बाय करो, पहले बाय करो, बाय टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।